ओके बिल्कुल जबरदस्त इनिशिएटिव है मेरे ख्याल में। आरजू हम सपोर्ट करते हैं आपके इस काज को, बड़ा जबरदस्त किस्म के है। बाकी चीजों के ऊपर तो बड़ी बातें होती है, औरत मार्च हो गया तो वहां पे उन बिचारियों के साथ ठीक है, उनसे हमें इख्तलाफ से जो भी उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ और बोला और उसको बनाया गया क्या, यानी ये तो हम लोगों की हालत है। ये मतलब अफसोस के साथ कि उसको उसको भी हमने दीन के साथ जोड़ दिया कि वैसे तो हमारे काबू में आने वाली नहीं है, वो इस्लामाबाद की औरतें हो, वो लाहौर की हो या कराची की हो, उन्होंने तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब नाक में दम करके इनके रखा और बिल्कुल सही किया। बेशक मुझे उनके बहुत सारी चीजों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बेसिक चीजें उनकी बिल्कुल सही है कि वो जो कहती हैं, लेकिन उनको भी मतलब जिसे कहते हैं कि गंद फैलाने के लिए उनको किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, और इसी तरीके से इस वाली चीज को भी, लेकिन हम बिल्कुल इस पे कोशिश करेंगे। सनी आप मेरे भाई आप वहां पे रहते हो, बहुत सारे मसाइल आपको होंगे एज ए जर्नलिस्ट, हमें इस्लामाबाद में बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं। मतलब अगर किसी को ये नजर आता है कि फखर यूसुफजई बैठे हैं, आरजू काजमी साहिबा बैठी हुई और ये मतलब सारी बातें कर लेते हैं, उनको कुछ कुछ कहता नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि यार इनको कोई कुछ कहता क्यों नहीं है। तो भाई बात ये है, हम ये जुर्रत करते हैं लेकिन इसके ऊपर हम अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। ऐसे नहीं ये बात करना, कोई ना हमें कोई पैसे देता और ना हमने किसी आगे पीछे अपने कोई वो लगाए हुए कि यार हम अपने बलबूते पे बात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते और करते रहेंगे, ये 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 वादा है। कल मेरे एक दोस्त मुझे ट्विटर पे कहते कि फखर भाई आपने कविता के ऊपर, मैंने कहा भाई मैं क्योंकि बहुत सारी चीजें कर रहा होता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज को भूल गया या मैं छोड़ दिया, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैं जितनी मैं कहता हूं कि मेरी सबसे प्रायोरिटी मेरी ये होती है कि उसके हवाले से एटलीस्ट बात कर सकूं जो मेरे हाथ में है। सनी आप वहां पे रहते हो, आपको भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बड़े सुकून से रहते होंगे, कारोबारी फैमिली से आपका ताल्लुक है, अभी आपने ये चीज शुरू की है, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का, स्पेशली आपके कम्युनिटी का? मैं कहता हूं कि आप उनके लिए एक इंस्पायरेशन है भाई, आपने यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, हम जैसे लोग जितना कर सकते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, ये हमारा आपसे वादा है। आप जो हो, मैं हूं या और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, कराची में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि अब आप क्योंकि खुद विक्टिम है, मैं उस चीज का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद विक्टिम है, लेकिन आप एक जिसे कहते हैं कि लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी है भाई। अभी मसला क्या है कि लड़की एक बार भरचुंडी शरीफ पहुंच जाती है ना, तो फिर इनके पास अपने एक सेंटर है जहां पे ये तशद्दुद करते हैं, इनके अपने सेल हैं जहां पे ये लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। पहले ये कलमा पढ़वाते हैं मुस्लिम करके, फिर फैमिली से मिलवाते हैं। अभी जो रमेश लाल के साथ इनका एक मुआवजा हुआ था आपको पता है, वो भी एक टॉपी ड्रामा है, वो भी आवाम को एक बनाने के लिए, एक गरीब बंदों को घुमाने के लिए ये उनको एक यूज किया गया है। मियां रमेश लाल वानकवानी को भी यूज किया गया है, मिसयूज किया गया है। ये जैसे आरजू काजमी साहब जी ने बोला था कि ऊपर से इनको कोई डंडा आए तो कुछ होगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट भी इनके साथ है और ये गवर्नमेंट इनकी है। सिंध, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के इलाके में ये सबसे ज्यादा ये केसेस हो रहे हैं, गुटकी उनका इलाका है, उमरकोट है या इंटीरियर सिंध, जो भी है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। बिलावल भुट्टो साहब है, आसिफ अली जरदारी साहब है, बख्तावर है, बड़ी एक्टिव है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं अक्सर उनको देखता हूँ, वो बात तो करते हैं लेकिन एक्शन सनी लगता है कि एक्शन नजर नहीं आता। नहीं वो करते ही नहीं है, मसला ये है कि वो आ जाता है मजहबी मामला। तो मेरा एक दोस्त है जो उस टाइम जिस टाइम मेरे साथ मसला हुआ था वो बिलावल के साथ ही बैठा था, सुनते तो हैं लेकिन गलत तो या कहते कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक दो और भी MPA MNA जो हमारा साथ देते हैं, अभी उनको जब ये बात मदद किया जाती है तो वो भी दूर हट जाते हैं, तो ये लोग डरते हैं, हम भी डरते हैं यार। ये तो मैं विक्टिम हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है, आपको भी मैंने मैसेज भेजा था कि मेरे कैसे कैसे मुझे मैसेज आते हैं, कैसे कैसे मुझे ये धमकियां दी जा रही है, आपको मैंने दिखाया था, हमने शो भी किया था लेकिन वो इंटरनेट का मसला था, वो नहीं चलता था। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। तो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था कैसे कैसे मेरे पास, ये तो मैं विक्टिम बोला तो मुझे अपनी ना तो मुझे अपनी ना तो मेरी जान भी चली जाए ना मैं आवाज अपनी उठाऊंगा। मैं अगर मैं विक्टिम नहीं होता तो मैं सवाल पूछा नहीं है, मैं आपसे बात करता।